بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل फिर कुरानी दुआ रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना वख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल लदीना मिन कब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकता लना बिह वाफु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون صلوات الله कुरान और हमारी जिंदगी मौजू है और कितना हम मरबूत हैं इस जिंदगी से ये समझने की कोशिश की जा रही है। जब तक मुसलमान बल्कि इंसानी मुआशरा अपनी ज़िंदगी का महवर कुरान नहीं बनाएगा उस वक्त तक उसकी कामयाबी मुमकिन नहीं है। इसलिए कि अगर आप दुनिया की कोई भी छोटी चीज़ ख़रीदते हैं उसके साथ इंस्ट्रक्शन बुकलेट ज़रूर होती है कि हाउ टू ऑपरेट। क्यों होती है? इसलिए कि जो साइंस इस्तेमाल की गई है उस कंपोनेंट में वो कंपनी ही जानती है, दूसरे लोग उससे वाकिफ नहीं है। कंपनी ही एक मैनुअल बुक निकालती है कि किस तरह से उसको चलाना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि एक कंपनी एक प्रोडक्शन निकाले दूसरी कंपनी उसके लिए एक मैनुअल बुक निकाले, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि उसकी हयात का दारो मदार वहीं से है जहां से वो निकला है। इंसान भी एक प्रोडक्शन है जो अल्लाह की जात से निकला है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मरने के वक्त पढ़ने ही का नहीं है, ये जिंदगी का जुमला है। हम अल्लाह ही की तरफ से हैं, उसी की तरफ। जब ये बात वाज़ह है तो जब अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह बताएगा कि इस इंसान में क्या एबिलिटीज हैं, क्या कमजोरियां हैं, इनसफिशिएंसीज क्या हैं और इसके अंदरूनी दुश्मन कौन है, इसका बैरूनी दुश्मन कौन है। बताएगा कौन? वही जिसने खल्क किया। इसीलिए कुरान कहता है अहसबन्ना सयुत्रकु सुदा यकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या तुम समझते हो कि इंसान समझता है कि जैसे ही उसने कहा कि मैंने ईमान लिया हम छोड़ देंगे उसको? नहीं, हम उसका इम्तिहान लेंगे। समझ ये बात को अच्छी तरह से कि इंसान एक बहुत ही पावरफुल वजूद का नाम है
और पैदा करने वाले ने कायनात जो आज जानते हैं आप बिलियन सब गैलेक्सीज कहते हैं, जो कहकशाने पहले कहते थे हजारों, अब कह रहे हैं करोड़ों कहकशाने, और उसमें एक इंसान को बना करके ज़ाते परवरदिगार ने जो भेजा है और बताया खलक्तुल खल्क लअजलक खलक्तुका लअजली, सारे कायनात को मैंने तेरे लिए बनाया है और तुझे मैंने मेरे लिए बनाया। वो क्या है जो इंसान में है, वो कौन बताए, बाहर वाला बताएगा, खुद खालिक बताएगा कि इंसान में क्या है। जिस आयत की तिलावत का हम शरफ हासिल कर रहे हैं, आप लोग कुरान से दिल लगाइए जरूर, रोजाना चंद आयतों की तिलावत जरूर कीजिए, खुसा रमदान में एक पारा जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन एक आयत पे बहुत जोर गौर व फिक्र जरूर करनी चाहिए। जो आयत हमारे साथ चली है वो सूरह अनफाल कुरान का 8वां सूरा है, उसकी 24वीं आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, चूंकि मोमिनीन से खिताब है, ऐ मोमिनीन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जो लोगों ने मुझे अपना लिया है, मुझे मुझ पर ईमान लाया है, इस्तजीबू लिल्लाही वली रसूल, अल्लाह और रसूल के काल का जवाब दो, उनकी आवाज का जवाब दो, वो बुला रहे हैं तुम्हें, हल मिन नासिरिन कह रहा है ज़ाते परवरदिगार, आवाज दे रहा है, उसके जवाब दो, इस्तजीबू जवाब दो, लिल्ला अल्लाह का और रसूल का, जवाब देने से फायदा क्या, लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। तो हम ये समझ रहे हैं जो जिंदगी गुजार रहे हैं ये जिंदगी कुरानी जिंदगी नहीं है, जब तक ये कुरान के पैटर्न में नहीं आएंगे तो कुरानी जिंदगी नहीं कहलाएगी। इस्तजीबु लिल्लाही वली रसूली इदा दअकुम लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। और कुरान ने ये भी साफ बता दिया वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगीला, सूरह यासीन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मरहूमीन के लिए, हमने शेर गोई नहीं सिखाई हमारे हबीब को, वमा अल्लमनाहु शिअर, तुम यंसुरून यस्माउन से ये काफिया ना मिलाते चले जाओ, वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगीला, और उसके लिए जेब भी नहीं देता कि वो शेर गोई करे। सीरत नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अजल फरज, ये मौजूद है कि सरकार अशार को कहते नहीं थे और किसी अरब के शेर को पढ़ते भी तो पहले तो पढ़ते नहीं थे, कभी पढ़ते थे तो वजन को गिरा देते ताकि लज्जत शेरी बाकी ना रहे। कुरान यहां इशारा कर रहा है वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबगी लह, तुझको हमने शेर गोई सिखाई नहीं है और तुझे जेब भी नहीं देता कि तू शेर गोई करे। तेरी शख्सियत बहुत बुलंद है, जिसके पास कुरान हो उसके पास शेर, जिसके पास हकीकत हो उसके पास मजाज की कोई जरूरत नहीं। इन हुआ इल्ला कुरान मुबीन, ये कुछ भी नहीं है, खुला हुआ किताब है, कुरान है। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, लियुंदिर मन काना हय्यन, बहुत अच्छी तरह से समझिए, कुरान ये कहता है कि उसको डराने के लिए आया है, उनको डराने के लिए आया है जो जिंदा है। मुर्दों को क्या डराएंगे, जो मुर्दे हैं उनको क्या डराया जाएगा, जो जिंदा है उन्हीं को डराया जाएगा। मसलन मिसाल दीजिए बहुत अच्छी तरह से, किसी मरहूम का इंतकाल हुआ, बॉडी जो है इमाम बारगाह में रख दी गई, कल सुबह दफन करना है, वालिद से कहा गया कि कोई नहीं रहेगा, आप मैयत के सामने आ रही है, बैठे रहिए, और अब तक किसी मैयत ने किसी को काटा नहीं है, किसी को पकड़ा नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन जो बैठा हुआ जिंदा है वो डर रहा है, जो आराम से सो रहा है वो सो रहा है। तो जिंदा डरते हैं, मुर्दा डरते हैं। कुरान से भी अल्लाह ये कह रहा है हमसे वही डरते हैं जो जिंदा है।
जो जिंदा नहीं है वो जिम्मे डर ही नहीं है। استجيبوا لله ولرسول اذا دعاكم لما يحييكم, तुम्हें जिंदगी जब मिलेगी तो डरना भी सीखोगे, जब डरना सीखोगे तो अपने कदम को फूंक फूंक के रखोगे, हर जगह कदम नहीं रखोगे बल्कि चूंटी भी आएगी तो रुक जाओगे। हजरत सुलेमान का किस्सा कुरान में सूरह नमल ही रखा गया चूंटी का सूरह, सिर्फ एक छोटे से किस्से की वजह से। वकालत नमलतो उदखुलु बुयूतकुम, उस चूंटी ने यह कहा दाखिल हो जाओ अपने अपने घरों में। ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदा, सुलेमान और उसकी जुनूद उसकी फौज तुम्हें पामाल ना कर दे, अंदर दाखिल हो जाओ। किसने बोला भैया? चूंटी ने। अच्छा लीजिए, कितनी कंप्यूटर कितनी दुनिया कामयाब हो गई, एक माइक ले जाइए चूंटी के मुंह में लगाइए, कितना भी पावरफुल मंगाइए, गौर कीजिए आप अच्छी तरह से, पावरफुल माइक माइक्रोस्कोपिक माइक लगाइए, लगा दीजिए मुंह में, सुनिए आवाज, किसकी मजाल है सुन ले, इंसान तरक्की करके भी नहीं सुन सकता। सुलेमान ने सुना ही कैसा आया, ये चूंटी का कमाल है, ये हसास रहनुमाई परवरदिगार का कमाल है। तवज्जो तो इसीलिए जब हुकूमत इलाहिया होगी चूंटी पर भी कदम नहीं रखा जाएगा, चूंटी को भी नुकसान नहीं होगा। इसीलिए सरकार की सीरत में लिखा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम, जानवर को तुम मार नहीं सकते, बेजरूरत मार नहीं सकते, जानवर को नहीं मार सकते, आज तो इंसानों को मारा जा रहा, बेजरूरत मारा जा रहा, जानवर को नहीं मार सकते। और अगर कभी जरूरतन तुम्हें तकलीफ हुई है मार रहे हो तुम जला नहीं सकते, लेकिन आज इंसान को जिंदा जलाया जा रहा है। तो इस और कह भी कर रहे हैं कि पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह का बोर्ड भी है, पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह से डरिए जो खुद ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल ही है, जबान से कहने से नहीं, जिंदा होना चाहिए कहना चाहिए। अगर जिंदगी है तो बहुत समझिए, कोशिश कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। तो कुरान पे जितना हम करीब होते चले जाएंगे हमारी जिंदगी बढ़ती चले जाएगी, जितना हम दूर होंगे, घर में क्यों प्रॉब्लम है इसलिए कि कुरान से दूर है, मियां बीवी के दरमियान परेशानी क्यों है कुरान से दूर है, अपने आप से परेशानी क्यों है कुरान से दूर है। हम ये कोशिश करेंगे जो आपके सामने एक दिन तो गुजर चुका है, मैं 9 तारीख तक हूँ, 14 शबे विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान की एबिलिटीज, इंसान में क्या चीज है और कौन बताएगा, वो खालिक इंसान ही बताएगा। लीजिए आयत कुरान की, ज़ाते परवरदिगार ये कह रहा है लकद करमना बनी आदम वहमल्लाहुम फिल बर वल बहर وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, بہت ہی خوبصورت ہر آیت خوبصورت, ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے۔ جب جاتے ہیں کہ دعوت نامے ہوتے ہیں تو جیسی جیسی دعوت ہوتی ہے ویسے ویسے دعوت نامے ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وی آئی پیز کی جگہ ہے, وی آئی پیز, اور بعض جگہ وی وی آئی پیز, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोग हैं जहां पर यहां पर बैठेंगे और टेबल भी लगा हुआ उनके रिजर्व है, ये किसके लिए VIPs के हैं, उसमें आप बैठ नहीं सकते। अल्लाह ये कह रहा है इंसान तुझको मैंने VIP बनाया, तू जो है फरिश्तों से भी अफजल है, जानवर तू जानवर माला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम, अजल फरज। अल्लाह ने हैवान को
शहवत दी है, अकल नहीं दी है। फरिश्तों को अकल दी है, शहवत नहीं दी है। शहवत यानी डिजायर्स, ख्वाहिशात। हैवान में ख्वाहिशात हैं मगर अकल नहीं है। फरिश्तों में ख्वाहिशात नहीं है मगर अकल है। इंसान में अल्लाह ने ख्वाहिशात भी दी, अकल भी दी। अगर उसकी अकल ख्वाहिशात पर कामयाब हो गई तो वह फरिश्ते से अफजल हो गया। कलाम मौलू मासूम का है, अजीब गरीब है, जिंदा कलाम है। और अगर वो ख्वाहिशात का गुलाम हो गया, हैवान से नीचे हो गया, जिसकी तरह कुरान कहता है बल हम अदल, कुरान कहता है कि बदतर है जानवरों से कुछ इंसान, जन्म जानवरों से बदतर है। देख रहे हैं जुल्म सितम हो रहा है, हरकत में नहीं है, खुद जुल्म करते हैं, जिंदा दरगोर करते हैं, जिंदा भून देते हैं, एहसास नहीं करते, जलाते हैं। देखिए क्या हो रहा है बहरीन में, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कितने मोमिनीन आज जवान गायब है, अभी तक पता भी नहीं उनको कहां पर लगा दिया। लापता मोमिनीन, इसके लिए स्ट्रगल की जा रही है। कौन है यह इंसान? हैवान से बदतर है। बल हम अदल, अगर हमारी अक्ल हमारी ख्वाहिशात पर कामयाब हो गई तो हम क्या हो गए? फरिश्तों से अफजल। अगर आपको कोई फरिश्ता बताए तो कोई फजीलत नहीं है, अगर इंसान बता दे तो फजीलत है। तो फरिश्ते बनना भी आसान है लेकिन इंसान बनना मुश्किल है, बहुत कुछ मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कि इंसान बनने के लिए वो हसासियत की जरूरत है कि वो इंसानी अकदार को, सिफात को अपने में रखता हो। फद्दलनाहुम कसीरन मिम्मन खलकना तफदीला, ए इंसान तुझको मैंने VVIP बनाया है, तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं है, इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। अगर तुमको मिसाल चाहिए तो देखो मेरे हबीब को मैं दावत दे रहा हूं मेरे पास, हालांकि वो मेरे पास रोज आता है कुर्बतन इल्लल्लाह जी, अस्सलात व मेराजुल मोमिन, तुम नमाज पढ़ते हो वो मेराज में हर वक्त आता है, लेकिन मैं आज उसको बुला रहा हूं। सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा बारकना हौलहु लनुरियहु मिन आयात। ले गया जाते परवरदिगार कहां? सारी कायनात को दिखाने के लिए। और वो मकाम आया जहां पर जिब्राइल ने कहा लौ दनो तो अनमुलतन लहतरक्त हो, अगर एक अंगुल एक उंगली भी एक इंच भी यहां से मैं आगे बढ़ूंगा अपने आप को जला डालूंगा। यानी फरिश्ते जहां कदम रोक देते हैं वहां से इंसान का कदम शुरू होता है। किसने बताया? बताया जाते परवरदिगार ने अपने हबीब को ले जाकर के मेराज में, तुम करीब आओ, उदनो मिन्नी आओ मेरे करीब। शायद यही आदत हम लोगों को पड़ गई है मजलिस में भी, आओ और करीब आइए, आओ सलावत पढ़िए मोहम्मद बहुत गौर करें बहुत अच्छी तरह से। तो इंसान को क्या बनाया? अफजल बनाया फरिश्तों से। दूसरी चीज सिफत, इंसान दो बोदी है, तक बोदी कहते हैं, दो बोदी है, दो डायमेंशन रखता है, एक अर्थली डायमेंशन है कि हेवनली डायमेंशन है, एक जमीन से मरबूत है एक उसका डायमेंशन आसमानों से मरबूत है। दो बोदा, हर बोध के कई बोध है, हर डायमेंशन के कई डायमेंशन है। ये दो बोध को समझिए, जमीन से है नुतफा मुदगा अलगा कसौन निज़ाम फखलकद आखर फतबारक अल्लाह अहसन अल खालिकीन, जमीन से पैदा किया गया। और उसके बाद उस बोध को बताया गया जो आसमानी है, व इदा नफख्तु फीह मिन रूही फकाउ लहु साजिदीन, जब तक मेरी रूह इसमें ना फूंक दू सजदा ना करना, जब फूंक दू तो सजदा कर देना। फसजदु कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लीस, सबों ने सजदा कर दिया सिवाय सब जानते हैं। तो ये दो बात है, हम में दो चीजें हैं। तो बहुत अच्छी तरह से मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरी बेटियां, आप लोग भी बहुत गौर कीजिए। हमारे अंदर जो पर्सपेक्टिव ऑफ दीन है, दीन ने इदराक जो दिया है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन रमजान के महीने में हालत रोजा में बैठे हुए हैं। हमें उस दुनिया में जाना नहीं जिसको सेक्युलर दुनिया कहते हैं। सेक्युलर दुनिया इस चीज को बिलीव नहीं करती जिसको हम बात कर रहे हैं, उनके लिए मजाक है ये सब चीजें।
ये जो हम बात कर रहे हैं उनके लिए कोई समझ में आने वाली चीज नहीं है, इसलिए कि सुम्मन बुम बुकमन उम्यन फहम, उनसे गुफ्तगु नहीं है, हम मोमिनीन से गुफ्तगु, आपस में समझने के लिए गुफ्तगु। हम कौन है, मैं कौन हूं, कुरान कह रहा है कि तू समझ, तू अपने आप को समझ, तू कौन है। तेरे पास दो डायमेंशन है, एक डायमेंशन तुम्हारा अर्थ का है, जमीन का है, एक डायमेंशन तुम्हारा आसमानी डायमेंशन है। वो आसमानी डायमेंशन क्या है, ذات پروردگار نے کہا ہے کہ اذا نفقت فیہ من روحی، تو معلوم ہر وجود میں اللہ کی روح موجود ہے، کتنی بڑی بات ہے، یعنی اس مجھ میں وہ چیز ہے جو اس کی طرف سے دی ہوئی ہے، وہ چیز ہے جو زمین کی طرف سے دی گئی ہے، کون سی افضل ہے کون سی مفضول ہے، جو دی گئی اس کی طرف سے وہی باقی رہنے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن اللہ کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، وہ نفخت فیہ روح من روحی، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى، سمجھنے کی کوشش کر، ایک صلوات پڑھے محمد بارے. امید ہے کہ کسی حد تک ہم جو زحمت کر رہے ہیں آپ لوگ کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. انسان دو ڈائمنشن رکھتا ہے جو مین ہے اس کے، ایک ڈائمنشن کا تعلق ہے زمین سے، ایک ڈائمنشن کا تعلق ہے آسمان سے. اگر وہ آسمانی بننا چاہتا ہے تو اس کو انسان بننا پڑے گا، اگر وہ زمینی بننا چاہتا ہے تو جو چاہے کرے، عائش کرے، مزے کرے، اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے کہ تم الہی بننا چاہتے ہو تو ہمارے پاس آنے کے بعد اس چیز کو حاصل کرو جو چیز ہم چاہتے ہیں. بہت اچھی طرح سے شہید متحری نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے، پیری مریدی کا مسئلہ جانتے ہیں آپ لوگ، ارے قوم سرکار کے مرید کم تھے، توجہ بہت اچھی طرح سے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مرید کم تھے، مولا علی کے مرید کم تھے، امام معصومین کے مرید کم تھے. مرید کے معنی کیا ہے، بالکل ان کے ہو جانا. کیوں کم تھے، بحث کی ہے، اس لیے کہ سرکار کمزوریوں کو بتا دیتے تھے، سامنے جو کمزوری جو کرتا تھا، غلطی جو کرتا تھا. بیٹھے سرکار بیٹھے میں ایک مرتبہ ایک شخص داخل ہوا محفل میں، حدیث میں ہے کہ جب بھی محفل میں داخل ہو جہاں جگہ ہو بیٹھ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ میری جگہ ہے. میری جگہ کیا ہے، کسی کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں موقع میں بیٹھ جاؤ. ایک صاحب کے پاس وہ بیٹھ گئے، جو جن کا ماشاءاللہ اچھا لباس تھا ان کے، بہت ہی جن کو کہیوں کہیے کہ ذرا سا ڈگ شاٹ تھے، جا کر کے بیٹھ گیا چونکہ جگہ وہی تھی. ان صاحب نے اپنے کپڑوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، چونکہ جو بیٹھا تھا وہ مزدور تھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، یہ ماشاءاللہ آئرن کیے ہوئے صاف ستھرے صاف کپڑے. سرکار نے دیکھا چہرہ سرخ ہو گیا، رحمت للعالمین. تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت اس کو چلی جائے گی یا غربت اس کی تم پر آ جائے گی، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو معلوم ہوا سرکار کمزوریوں کو بتاتے تھے اسی وقت، اسی لیے ان کے مرید کم تھے. ہم کمزوریوں سے مومنین کے فائدہ اٹھاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، مولائی کہہ کر کے، مولا کا نام لے کر کے مولائی، حقیقت میں مولائی مومنین مولائی ہوتے ہیں، مولا کے نام سے خوش ہوتے ہیں. جو علی کے نام سے خوش نہ ہو تو کہیں اس کا نصیب نتیجہ ہی خراب ہو جائے گا. تو اسی کو ہم کیش ان کرتے ہیں، اس مولائیت ہی، مگر میں معصومین ایسا نہیں کرتے تھے، کمزوریوں کو کبھی یوز نہیں کیا، کمزوریوں کو بتایا. تو کوشش یہ کریں کہ قرآن کی یہ بتائے ہوئے راستہ، جو ایک انسان کی یہ کیفیت ہے، یہ ڈائمنشن ہے، وہ زمینی ہے، چونکہ زمینی ہے اس کے بھی صفات اس کے پاس موجود ہیں، چونکہ وہ آسمانی ہے اسی کے بھی صفات اس کے پاس موجود ہیں، اس میں کانٹرڈکشن موجود ہے. کون بتانے والا ہے، خود قرآن بتائے گا. تو ایک چیز میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ اللہ نے نفخت فیہ من روحی کا. اب آئیے دوسری بات میں نے بتائی کہ فضیلت اللہ نے انسان کو دی،
तीसरी बात जो किसी के पास किसी को तो बहुत ही अजीब गरीब है, ये आयत अजीब गरीब है, हर आयत अजीब गरीब है, तोहफा लीजिए। सूरह अहज़ाब जिसमें आयत अथीर मौजूद है उसकी आखिरी आयत है, إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا। بہت خوبصورت ہے میرے ساتھ آپ لوگ, ایک سلوات پڑھے محمد والا إن عرضنا الأمانة, हमने अमानतों को हवाला करना चाहा, हवाले करना चाहा किसके, इन्ना अरदना अल अमानत अल समावात वल अर्दी वल जिबाल, यूनिवर्स के गैलेक्सीज के, ये अमानत को अल्लाह कह रहा मैं देना चाह रहा था, उसके बाद जमीन को देना चाह रहा था जमीनों के, और पहाड़ियां जो बुलंद पहाड़ियां जो जमीन के स्टेबिलिटी के लिए बहुत साबित हैं उनके हवाले करने का चाहा। फअबैना अन यहमिलनाह, उन्होंने इबा किया। अब यह उलमा ने बहस की है, तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, एक इबा है शैतान अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, उसने इबा कैसा किया कि मैं सजदा नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, इसलिए कि खलक्तनी मिन नार खलक्तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया उसको मट्टी से, तो वो उसका इबा है इबाए इस्तिकबारी, मग़रूराना कह रहा कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर मगरूर नहीं कर रहे, परवरदिगार हमें ये जिम्मेदारी ना दे, हम नहीं ये कर सकते। कौन कह रही है, जमीन कह रही है, जमीनें कह रही हैं और आसमान कह रहे हैं और बुलंद पहाड़ियां कह रही हैं, ये अमानत हम नहीं ले सकते, वी कैन नॉट डू दिस, प्लीज प्लीज। तो ये इबाए इशराफी कहते हैं, इस्तकबारी नहीं है, बल्कि किसी से कहा गया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप सदर बन जाइए, आपने कहा नहीं भी मुझ में एबिलिटी नहीं है, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ले नहीं सकता, इस पोस्ट को मेरे हाथ में नहीं ले सकता। ये अंधे हैं जो पोस्टों को ले लेते हैं, तो जिसमें एबिलिटी ही नहीं है। मौला अमीर मोमिनीन ने यही कहा, लकद तकम्मसा इब्नु अबी कहाफा फइन्नहु यअलमु अन्न महल्ली अल-क़ुतब मिन अर-रहा यन्हदरु अन यसअल वला यरका इलैय अत-तायर, पहनने वाला कमीज खिलाफत को पहनने वाला नोच खसोट कर पहनने वाला जानता था अली का मकाम क्या था, तो जो नहीं जानते थे वो बन गए, तो क्यों बन गए, इसलिए कि वो जो एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला कैसे बन गए, मैं एक छोटी सी मिसाल समझिए, मसलन पत्थर है, पत्थर को तराशिए, तराश करके डब्ल्यूसी में वॉशरूम में लगा दीजिए, रोएगा चीखेगा पुकारेगा नहीं पुकारेगा, लेकिन उसी पत्थर को मंदिर में ले जाकर के खुदा बना दीजिए, खुश होगा ना, इसमें रोएगा ना उसमें खुश होगा, इसलिए कि पत्थर है। तवज्जो का तालिब हूं, जो इंसान नहीं होते उस पोस्ट को ले लेते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, आज आसान काम नहीं है, आसान मसला नहीं, जिम्मेदारी को उठाना बहुत ही मुश्किल मसला है। लकत कुरान ये कह रहा है कि शैतान ने भी इबा किया, अबा वस्तकबरा, जमीन और आसमान और पहाड़ियों ने भी कहा, फअबैन अन यहमिलनाहा, ये परवरदिगार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते, जिसको कायनात ने नहीं लिया था किसने ले लिया, आपने उठा लिया, आप समझिए आप कौन है। फहमलहल इंसान, अब मुफसरीन बहस में है कि यह है क्या जिसको हमने ले लिया है, आज समझ के चले जाइए तो कल से जिम्मेदारी पैदा कीजिए, वो कौन सी चीज है जिसको हमने ले लिया कायनात ने नहीं लिया। बहस बहुत बहस बहस में आखिर में नतीजे में ये निकाला कि दीन है जिसको हमने ले लिया और दुनिया ने दूसरी चीजों को हमने छोड़ दिया, ये बहस है। ये है क्या, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान और अमल सालिहात। और एक बहस ये है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, मसलन कुवैत में आज की सुबह का जो सूरज जो निकला है 28 मई 2017 तकरीबन 5 बजे, क्या इसी तरह का टाइम,
एक मिलियन ईयर्स पहले कुवैत में जो आज का दिन सूरज जो निकला था क्या टाइम था? यही एक मिलियन ईयर बाद अगर जमीन रहेगी एक मिलियन के बाद भी निकलेगा तो कुवैत में सूरज किस टाइम पे निकलेगा? उसी टाइम पे। क्यों? इसलिए कि जमीन ने अपनी गर्दिशों को इख्तियार में नहीं रखा है, अल्लाह के इख्तियार में। यह नहीं कहा कि मेरे इख्तियार पे चलूंगी, यह कह दिया तू बता दे तेरे इख्तियार पे चलेगा। इसी का नाम है जो अल्लाह के इख्तियार पे बताए हुए इख्तियार पे चले जाए उसको कहते हैं तस्बीह। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। सारी कायनात तस्बीह कर रही है, यानी जो बताया गया उस पर चल रहे हैं। ठीक है, सो जमीन ये नहीं कहती कि मैं इतने सालों से चल रही, 5 बिलियन से चल रही हूं, आज थक गई हूं, सो जाने दीजिए। तवज्जो, एक सेकंड के लिए रुक जाए तो पूरी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाए। मगर एक इंसान है कि फजर को उठूं या ना उठूं, रोजा रखूं या ना रखूं। मुझे सहरी की आदत नहीं, मैं कभी सहरी खाता नहीं। हदीस ये कहती नहीं, सहरी खाना मुस्ताहब है। अल्लाह कितना रहीम है, भूखा रखना नहीं चाहता। अल्लाह कहता कि ना तेरी मर्जी का रोजा मुझे नहीं चाहिए, तो मेरी ख्वाहिश है कि तू उठ, उठ इस बिस्तर को छोड़, दो लुकमे खा ले, ये दो लुकमे खाना भी तेरे लिए भी अच्छा है, मैंने इसको मुस्ताहब करार दिया है। तो ये इंसान है, इख्तियार रखता है सोने उठने बैठने बोलने ना बोलने का। ये कायनात है जिसमें इख्तियार नहीं है। तो अब इसमें बताइए इंसान अफजल हुआ या कायनात? तवज्जो करता रहे, कितना अफजल हो गया भाई, इतना अफजल हो गया कि वो मुख्तार हो गया। दूसरी दुनिया कायनात जो है मुख्तार नहीं हुई, मजबूर हो गई। जो मुख्तार होकर मुख्तार कुल का बंदा बन जाएगा, खुदा उसको इख्तियार देगा, वो इशारा करेगा तो सूरज क्या ये मजाक है, क्या ये लतीफे? नहीं, हकीकत है। अबदी अतनी हत्ता आज अलक मसली, ऐ मेरे बंदे तू मेरी इतनी इबादत नहीं, ऐसी इबादत, इसलिए क्वांटिटी की कोई अहमियत नहीं है, ऐसी इबादत करके तुझको मैं मुझ जैसा बना। ये कौन है जो मुझ जैसा हो जाएगा? आजकल के अशार वगैरह माशाल्लाह अशार की भूम हो रही है, और नतीजा यही निकल रहा है कि अब अल्लाह मियां रिटायर्ड हो गए, मौला अली चला रहे हैं कायनात। क्या इस तरह से है? अब लीजिए उठाइए, नहजुल बलागा मानते हैं कि नहीं मानते हम? नहजुल बलागा किसका कलाम है? मौला अली का कलाम है। लीजिए, इन लोगों ने नहजुल बलागा का इनकार कर दिया, इसलिए किया कि नहजुल बलागा को माने तो मौला की अब्दियत को मानना पड़ेगा। मौला ने जितने भी खुदूत लिखे हैं अक्सर खुदूत में मिन अब्दिल्ला है अमीरुल मोमिनीन, पहले ये कहा मैं अब्दे परवरदिगार हूं फिर अमीरुल मोमिन। जिस तरह से तशहुद में अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला, उबूदियत शोरा की जिम्मेदारी है, सुनने वालों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं जो बोल रहा हूं आप लोग सर उठा हिला के उठ के मत चले जाइए, जो गलत हो रहा पूछिए मजलिस के बाद, या हो तो मजलिस के दरमियान पूछिए, मैं अपनी तरफ से नहीं दी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलात व सलाम की हदीस सुनिए, मन असगा नातिक फकद अबदा। अरबी में अल्फाज की खूबसूरती है। एक मरता है असमा समिया समिया अल्लाह लिमन हमीदा, समिया के माने सुनना, असगा अलीफ स्वाद गैन या ये मकसूरा मूसा का जैसा या, असगा के माने सुनकर अमल करना। मन असगन नातिक, जो बैठ करके आप बैठे हुए सुन रहे हैं मुझे, मैं कौन हूं? नातिक हूं बोलने वाला, आप कौन है? सामे हैं। मन असगन नातिक, कान लगा के सुना और सर हिलाते रहे, क्या हुआ? फकद आबदा, आपने मेरी गुलामी कबूल कर ली। मौला इमाम रज़ा का कौल है, मेरी तरफ से नहीं। अगर सुनने वाला कौल कायल के कौल को सुनकर सर हिला रहा है तो इसके माने उसकी गुलामी को कबूल कर रहा है। इनका नातिक अनिल्ला फकत अबद अल्लाह, अगर बोलने वाला अल्लाह की तरफ से बोल रहा है तो किसकी बंदगी हो गई? अल्लाह की। इनका नातिक अनिल इबलीस
अगर बोलने वाला सलवार पढ़िए मोहम्मद वाला, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस कीजिए। अशार में यह पढ़ा गया कि खुम्स को समंदर में डाल दो, हजारों मर रहे हैं भीखे भूखे मर रहे हैं, मोमिनीन सादा तुम्हारी बहन तुम्हारी भतीजी तुम्हारी, तुम हो सकता तुम्हारे खानदान में तुम लोगों की थोड़ी बोसी वाहवा के लिए ऐसे अशार पढ़ते हो जो दीन से तार राबिता ही नहीं है। और बोलने को पाबंदी भी लगाते हो ना भाई, हमारे सर पे अमामा है, कुछ और होता तो पिना के चले जाते थे। हमारी जिम्मेदारी हम बोलेंगे जरूर, जो गलत है गलत है, जो दीन मरकज मेंबर रसूल है किसी और का मेंबर सलवार पढ़िए मोहम्मद। सामेईन की जिम्मेदारी देखिए तो क्या हुआ। इस आयत को आप फैला रहा हूं मैं, इसको समझ समेट लीजिए। आपको कुरान क्या कह रहा है, सूरह अहज़ाब की आयत, इन्ना अरदना अमानत अल समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनाहा व अशफक़ना मिनहा फहमलहल इंसान। आप कौन है, कुरान कह रहा है तुम कौन है, पहचानो तुम, लकद करमना बनी आदम पैदा नफक तो फी है मिन रूही। कितने बजर बुजुर्ग हो तुम, तुम्हारा डायमेंशन जो अल्लाह से मरबूत है कितना बुजुर्ग है, बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत ही बुजुर्ग है, वेरी ग्रेट। तुम्हारी हैसियत को समझो तुम कौन हो। कायनात ने जिम्मेदारी को कबूल नहीं किया, तूने कबूल किया। वो क्या जिम्मेदारी है, इख्तियार की जिम्मेदारी है, चॉइस की जिम्मेदारी है। आपको चॉइस है, इख्तियार है। दीन को माँ बाप ने जो बताया वो नहीं की, इसलिए कुरान ने कहा कि जब उनसे पूछा जाता था तुम क्यों करते हो इस तरह से, बूतों को पूजा क्यों कर, इन्ना वजदना अलैहि आबाना, हम क्या करें हमारे आबा अजदाद करते थे इसलिए हमको करना है। आबा व अजदाद का दीन अलग है, अली का दीन अलग है। अली के दीन पे चलना है, आबा व अजदाद के दीन पे चलना नहीं है, दीन ही है। तो कोशिश ये करें कि हकायक को समझें। कोई आपको फ्री में जन्नत पहुंचा रहा है तो समझ जाइए कि उसको जन्नत मालूम ही नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। कुरान की आयत मेरी तरफ से मुश्किल है, मौला फरमाते हैं कि समन कल जन्ना ला तबेउहा इल्ला बेहा, तेरी कीमत जन्नत है, बेचना तो सिवाय जन्नत की किसी और चीज के लिए बेचो नहीं। मौला मेरी मोमिन, तो मामूली चीज है ये नहीं, बहुत ही जिम्मेदारी की चीज है। कौन महसूस करे कि इंसान इनफरादी तौर पर मैं कौन हूं, कुरान यह समझा रहा कौन हो तुम, कायनात अलग हो तुम बुलंद हो, कितने बुलंद हो, इतने बुलंद हो कि कायनात तुम्हारे सामने नीचे हो जाएगी, इसलिए कि तुमने इख्तियार से अपने हाथ में लिया है, पूरा मिशन को अपने हाथ में लिया। यस, अब मुख्तार तुम हो, मजबूर नहीं होना, किसी के सामने मजबूर नहीं होना। अगर होना तो सजदा झुका, सजदा करना है सिवा जाते परवरदिगार के, किसी को सजदा ना करना। तो वो अमानत है आपकी, हमारे इख्तियारात, और इन इख्तियारात को एक्सप्लोर जब करने लगते हैं तब कहते हैं मालिके यौमिद्दीन। है मेरे साथ, आप कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह 5 मरतबा। ये जो सूरह अलहम है, सूरह अलहम 4 रकातों में है, हमारे यहां 3री-4वीं रकात में ऑप्शनल बनाया गया कि आप जवाज है कि आप तस्बीहात अरबा पढ़ें, लेकिन बिरादर अहले सुन्नत के यहां 4 रकातों में सूरह अलहम पढ़ना फर्ज है, वाजिब। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, उसमें 3 सिफात परवरदिगार। एक सिफत क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद रिपीटेशन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान। ये 3 सिफात किसके हैं, 2 सिफात ज़ाते परवरदिगार की। उसके बाद मालिके, ये भी सिफात परवरदिगार है, अल्लाह मलिक भी है, अल्लाह मालिक भी है, अल्लाह बादशाह भी है, अल्लाह मालिक भी है, हर चीज का मालिक ज़ाते परवरदिगार। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम ये समझ रहे हैं कुछ है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी हयात मेरी मौत मेरी नमाज मेरी कुर्बानी सब कुछ ज़ाते परवरदिगार के लिए, मेरा कुछ भी नहीं। ला यम्लिकु लिनफ्सिही नफ़अन वला दर्रन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम समझ रहे हैं कुछ है। तो बंदा वही है ये समझे कि कुछ भी नहीं। हुक्म हुआ मेरी तारीफ मेरी हमद ऐसे करो जैसे मैं चाहता हूं,
मूसा कलीमुल्ला को हुक्म आए, मूसा तुम मेरी तारीफ मेरी हमद ऐसे करो जैसे मैं चाहता हूँ, मेरा शुक्र ऐसे अदा करो जैसे मैं चाहता हूँ। हजरत मूसा सजदे में गिर गए, रोने लगे, परवरदिगार मैं कैसे तेरी हमद कर सकता हूँ। मौला अल्लाह की आवाज आई, बस यही समझना कि तेरी हमद नहीं कर सकता, खुद ही मारे नहीं कर सकता। तो इस मंजिल को पहुंचे। अब आइए इस दुआ में क्या पढ़ते हैं हम लोग, दुआएं हैं रमजान की दुआओं में बेहतरीन दुआ, अशद्दुल मुआक्बीन फिल नखौल वन नकीमा अरहमुर राहिमीन फी मौदिर रहमा। जब रहमत की बात आती है तो खुदा सबको बख्श देता था, इन्नल्लाह यग़फिरु दुनूबा जमीआ। परेशान मत हो जाओ, मेरे पास आओ, तुम आओ मेरे पास, रमजान में एक रोजा रखो, तुम एक आंसू निकलेंगे, एक आंसू का कतरा भी टपकने नहीं पाएगा। खुदा कहता है ये आंसू अगर जहन्नम में डाल दूं तो जन्नत बन जाओ, बख्श दूंगा मैं तुम्हारे पूरे गुनाह बख्शो, मेरे पास तो आओ तो सही, तुम मेरे पास आओ, तुम पुकारो मुझे मैं बख्शूंगा। अर रहमान रहीम मौदिउल अफ्वि वर रहमा وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ مَنْ وَالنَّقِمَةِ। ये बहुत ही खतरनाक है। जब अदालत का मसला आता है तो अल्लाह किसी को नहीं देखता कि ये कौन है, जब रहमत का मसला आता है तो रहमत सारी कायनात के लिए खुली हुई है, इसीलिए उसकी अदालत से डरना है। इसीलिए नमाज पढ़ना, माँ लिखे इकरार करना है, मालिक कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, बहुत अच्छी तरह से समझिए। तो इंसान के इनर एबिलिटीज, आउटर एबिलिटीज, इनर एनिमी, आउटर एनिमी, इंशाल्लाह हम लोग गुफ्तगू, आज जो गुफ्तगू हमारी हुई है, इंसान के पास खुदा ने क्या दिया, उस इंसान को जो दिया है उसकी कदर हम करना चाहिए। क्या दिया इंसान को ज़ाते परवरदिगार ने, ज़ाते परवरदिगार ने वो चीज दी है जो किसी कायनात के किसी के पास नहीं है, वह इख्तियार है। दूसरा तफजील, सारी कायनात को मफजूल बनाया है, इंसान को तफजील दी है, फजीलत दी है, VVIP बनाया है इंसान को। लकद फद्दलना लकद करमना बनी आदम, और खुदा ने कहा इन इदा नफख्तु मिन रूही, यानी खुदा हमारी रूह को अपनी तरफ निस्बत दे रहा है। कितना कमाल, कितना बुजुर्ग है इंसान। अब हम कल एग्जामिन करेंगे कि इसके अपोजिट में कहां पर उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके कमजोरियां कहां हैं, ताकि हम समझे कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तारीख कहती है कि मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिसके लिए रिवायत में कि रद्दे शम्स दो मर्तबा हुआ, वो रद्दे शम्स के बाद फिर दो रकात नमाज अदा कर रहा है। ए मौला ये दो रकात पहले क्या थी अब क्या थी, पहले वाली वाजिब की थी, ये शुक्र की है। इसीलिए रिवायत में है कि हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारा जहन, हम तो इंसान है, कभी अंडे कभी दाल कभी बच्चे कभी ये जाता ही इधर होते, इसको कैसे कॉम्प्रोमाइज करें, कैसे ठीक करें नमाज को। मासूम ने फरमाया दो चीजें उसका इलाज है, एक इलाज ताकीबात में इजाफा करो, ताकीबात यानी दुआ पढ़ो, दुआएं तस्बीह फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपकी दुआ अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिवायत में है कि एक तस्बीह फातिमा ज़हरा कितना सवाब है, 1000 रकात का सवाब एक तस्बीह। बाज रिवायत में है कि जितने रकात तुमने नमाज पढ़ी है उतने रकात को डबल कर दोगे तो उतना सवाब। मसलन फजर की नमाज के बाद आपने तस्बीह पढ़ी तो गोया आपने 4000 रकात नमाज पढ़ी। शबे कदर में 100 रकात नमाज पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, 100 रकात पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, कम अज कम 1 घंटा 1.5 घंटा है ना भाई। 1000 रकात भी लगा लीजिए तो कितना टाइम लगेगा, एक तस्बीह में तवज्जो 1000 रकात कितना टाइम लगेगा। तो फिर अल्लाह 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 नहीं होना चाहिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एंजॉय कीजिए, डूबिए, अल्लाह कोई बुलंद नहीं है, मैं नहीं हूं तू है, मैं नहीं हूं तू है, घर नहीं है तू है, बच्चे नहीं है तू है, तू ही बुजुर्ग है। जब उस मंजिल पे पहुंचो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की तारीफ नहीं है सिर्फ तेरी तारीफ। तो फिर उस मंजिल पे पहुंच जाओ जहां पर कोई नजर ना आए, सुबहान अल्लाह, सिर्फ उसी की कुदरत नजर आती चली जाए।
इंसान है, कमाल हासिल करें। बताया साथी परवरदिगार ने, ये रुआ है मेरे पास आने की। तो मौलाना मौलाना पहले दो रकात नमाज पढ़ी। अब आई एक रिवायत, बास वक्त हम लोग मुस्तान सिवाय ज़ाते परवरदिगार के कोई नहीं है, याद रख लीजिए अच्छी तरह से। ये टीचिंग्स ऑफ अहलुल बैत है, जितनी भी दुआएं आप रमजान में पढ़िए सब की सिर्फ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है अल्लाह और हमारे दरमियान। पूरी दुआएं दुरूद जो है स्पीडिंग प्रोसेस है, अल्लाह हर दुआ में दुरूद है ताकि दुआ जल्द से जल्द कबूल हो जाए, मगर गुफ्तगु ज़ाते परवरदिगार से डायरेक्ट। इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, कुरान की आयत है। इस्तईनु के माने इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं तुझ ही से मदद चाहते। इस्तईनु किसे मदद मांगो, बिस्सब्र वस्सलात, सब्र के माने रोजा, सलात के माने नमाज। जब कभी जरूरत पड़ जाए, मसलन बहुत से मरतब हमारे हम लोग जिंदगी में कभी बच्ची की शादी, कभी ये, कभी परेशानियां, जब ये परेशानियों को कैसे हल करें, हम क्या करें, ये हो तो हम ये नजर करते हैं कि ये करेंगे ना, ऐसा नहीं है, बल्कि हुक्म यह है कि अगर तुमको मदद चाहिए पहले रोजा रखो फिर दुआ करो, नमाज पढ़ो फिर दुआ करो। मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत में है, मौला की सीरत में क्या है, लिखा हुआ है सीरत में कि जब कभी कोई जरूरत पड़ती थी तो दो रकात नमाज पढ़ते थे फिर दुआ करते थे। कौन, अली इब्न अबी तालिब। अन अबी अन अब्दुल्लाह व अन अमीरुल, पहले अब्द परवरदिगार। इंशाल्लाह मैं कराची इस साल मैंने कोशिश की है, इंशाल्लाह तैयारी कर रहा हूं तौहीद अली पे, जहां जितना इस मंजिल पे लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है मोमिनीन को कि हमारे 12 रब हैं उनका रब परवरदिगार, अस्तगफिरुल्लाह, हमारे 12 खुदा हैं। नहीं भाई, 12 खुदा कहां से हो गए, किस इमाम ने बताया, किस दुआ में, किस रमजान में, किस मकाम पर, किस इमाम ने, कहीं पर नहीं बताया, कहीं इमाम अली ने बताया, नहीं बताया। अगर मौला अली इब्न अबी तालिब की इबादत का तारीख कहते कि इमाम सैयद सज्जाद के सामने एक शख्स आया, इमाम अल्लाह मुसल्ला मालूम है कि आपके गड्ढे कई मरतबा काटे गए, जो मौला का लकब था गट्टे काटे, कितनी इबादत, किसी ने मौला से कहा मौला इतनी इबादत, मौला रोने लगे, इमाम सज्जाद रोने लगे, कहा मैं और मेरी इबादत देखना चाहते हैं, लाओ फिर वो फला संदूक से निकालो, किताब निकाले, निकालो ये सफा निकालो, मैं कहा मेरा जद अली इब्न अबी तालिब, मैं कहां पहुंच सकता हूं अली की इबादत तक। इन्हें इबादत इंसान को मगरूर नहीं बनाती, वो हमेशा अपने से बरतर को देखता है, अपने से बरतर देखता है, मेरी इबादत कहां, मेरे जद अली की इबादत देखो, जो घुटनों में घुटनों से रोटी को तोड़ता है लेकिन जब मसल्ले पे आता है तो पिंडली से तीर भी निकल जाता है उसको कोई खबर नहीं होती, मैदान में जंग में इबादत करता है, मसल्ले पे जाता है इबादत करता है रात भर। एक मरतबा कोई दौड़े हुए भागे हुए शहजादी के पास आए, शहजादी अली मर गए, अली का इंतकाल हो, शहजादी क्या कह रहे हो, कल नमाज पढ़ते हमने देखा कि खत्म हो चुका, तूने आज देखा, मैंने अली की हालत हर मरतबा यही देखी, शायद हम मानों को भी नहीं समझ पाते, मालिक यौमिद्दीन कहते हैं मफहूम को भी समझ के रो नहीं पाते, लेकिन इमाम देखता है उनके पास लौ कुशफल गिदा लम्मज़दत तो यकीना, उनके पास कोई पर्दे नहीं, वो देख रहे हैं हकायक को, रब परवरदिगार की जलवों को देख रहे हैं, वो जब बात करते हैं हकीकत में रब से बात करते हैं। इमाम सज्जाद ने कहा कैसी इबादत, बस इबादत की बात आई है तो लोगों ने इबादतें की हैं ले ले करके भी नहीं कर पाए हैं,
जो इस घराने ने दे दे करके किया है, कभी अली अकबर को दिया और सजदा किया रदन में कदा ही व तस्लीम अमरे, कभी अब्बास को दिया रदन में कदा ही व तस्लीम। बड़ी ऊंची कोशिश करें, नेमतों को लेकर अदा करना बहुत आसान है, लेकिन नेमतों को खोकर, हम समझ रहे हैं खोना है, लेकिन ये नेमतों को खोना नहीं है, बल्कि दीन के बचाने के लिए कुर्बानियां सब मिली है, सबों ने इबादत की, लेकिन एक की इबादत का ढंग कुछ अजीब था। मौला इमाम हुसैन आखिरी रुख्सत के लिए आए, बहन को खुदा हाफिज कहा, बीबियों को खुदा हाफिज कहा, जुमला है या उख्ता ला तंसीनी फी सलातिल्लैल, अल्लाहु अकबर। इमाम वक्त अपनी बहन से फरमा रहे हैं, बेटी जब बहन मेरी नमाज शब को जब उठना तो मुझ गरीब भाई को ना बोला। नमाज शब को उठता हूं मुझे ना बुलाना कभी। क्या कहना चाह रहे मौला इमाम हुसैन? शियो सुनो, क्या कहना चाह रहे मौला तुम्हारा? चाहने वाले कितने दूर से आए आप लोग, रमजान के महीने में यकीनन ये आखिरी लम्हात में ये आंसू, यकीनन हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई नेकियां नहीं है, यही आंसू है जो उस गरीब के लिए निकल सकते हैं। मौला परवरदगार इन आंसुओं को दामन सैयदा में जगा दे, बस हमारे पास कुछ और नहीं है। देखिए कहीं शहजादी पहलू में बैठी है, रो रही है, आवाज दे रही है, परवरदगार रोने वाले की गोदी को सलाम। मैं कहूँ शहजादी मालो मनाल की दुआ दीजिए, जाओ हाशिम की दुआ दीजिए, आप मौला की सलामती की दुआ क्यों दे रही हैं? अजब नहीं जवाब मिले, तुझे नहीं मालूम मेरा गोदी रोजे आशूर खाली हो गई। क्यों कहा मौला ने जरा सी परेशानी होती है तो हमारे नमाजों में लज्जत खत्म हो जाती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है दुनिया की, दिल बैठने लगता है, इबादत जरूर करते हैं लेकिन हम मुतमईन नहीं हैं। लेकिन ये कौन सा घराना है? सैयद सज्जाद कहते हैं कि भूपी अम्मा, अब तक जो मैंने आपको देखा खड़े होकर लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, आज बैठे बैठे नमाज तहज्जुद अदा कर रही हैं। खैरियत तो है कब बेटा, जितना खाना कम आता है इतना कम खाना आता है कि मैंने अब मुझ में खड़े रहने की ताकत नहीं रही, मैं बच्चों में तकसीम कर देती हूँ। जनाब ज़ैनब ने बताया, ऐ ज़ैनब की पहचानने वाली बीवियों की रिया करने वालों, अपनी चादर को संभालो, अपनी इबादतों को संभालो। इसीलिए कहा था बहन नमाज शब में न भुलाना। मौलाना हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम इबादत कर सकें। मैं कहता हूँ कम से कम एक रकात नमाज वत्र से शुरू कर, नमाज फज्र से पहले से 5 मिनट उठ जाइए, सिर्फ एक रकात। ये नमाज वित्र आधे घंटे में भी पढ़ सकते हैं आप, 1 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, एक रकात अदा कीजिए, परवरदिगार से कुर्बत की दुआ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह तौफीकात में इजाफा करेगा और आप देखते चले जाएंगे आप में बरकतें नाजिल होती चली जाएंगी। शहजादी ज़ैनब ने बताया इबादतें दुनिया करती है, देखो आज मैं कब कह रही हूँ, खैमा खयाम जल चुके हैं, ज़ैनब खड़ी हुई जले हुए खैमों के दरमियान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी जुनून चाहिए, बड़ा इरफान चाहिए, बड़ी मार्फत चाहिए कि सब कुछ लुटा कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किस मंजिल पर है ये मकाम, किस मंजिल पर है ये मकान, किस मंजिल पर ये ज़वात मुक़द्दसात, इन मनाज़िल को समझने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, काम करना चाहिए, उनकी तरबियत को समझना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते को समझना चाहिए। जनाब ज़ैनब उस मंजिल में, तारीख कहती है कि सुबह आशूर से मेरी बहन सोने और पयाम को लेकर के जाए, सुबह आशूर से कितनी बड़ी कुर्बानियां ज़ैनब, सारा घर लुट गया। कहीं पर तारीख में नहीं मिलता कि ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, फरियाद की ना
लेकिन जब चादर छीनी जब चादर छीनी तो मदीने का रुख किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर दुरूद सलाम हो अल्लाह का, अल्लाह की पाक दुरूद आप पर हो। नाना हादल हुसैन मुरम्मिल बे दिमा, ये हुसैन है आपका, ये हादल हुसैन। आयतुल्लाह जवाद आमली का अजीब गरीब जुमला है, गदीर करबला करबला, ये गदीर, गदीर में क्या हुआ, मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला, यानी ये 1,25,00,000 के मजमे में विलायत को पहचनवाया रसूलुल्लाह ने हादा अलीयुन मौला कह करके, मगर ज़ैनब के पहचनवाने का अंदाज अलग था, कोई सुनने के लिए नहीं था, पूरा घर लुटा करके कह रही है हादा हुसैन, इस विलायत को पहचानो, इस विलायत को पहचानो जो खून में लथपथ पड़ा है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जिसका अमामा और अदा खाक में मिल चुकी है, उसके बाद का नाना ये आपकी नवासियां जिनके सरों से चादर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وعلى الأرواح التي حلت بجنايبنا وخبر رحلتك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا مبارك خدايا پروردگار तेरा महीना है, तूने अपनी तरफ निस्बत दी है, मालिक हमारे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाहों से तू अपने यद कुदरत से बचा ले, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को दहशतगर्दों को दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस, मजलूमीन मोमिनीन की मदद फरमा, मजलूमीन मोमिनीन को क़याम करने की तौफीक इनायत फरमा, परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, बेरोजगारों को रोजगार इनायत फरमा, मकरूजों के कर्जों का अदा फरमा, जो बीमार है जिन्होंने इल्तिमास दुआ कहा सबको सेहत कामिल आजला इनायत फरमा, हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी हर अंदाज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक व नखवत व गीबत को दूर फरमा, जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पुर कर दे, जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के हैं उनकी ब्याह कर दे, सुफूफ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे, हमें बांटने वाली सैहुनी कुव्वतों को बांट दे, और अधिकारा बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद इनकलाब इस्लामी को इनकलाब महदी तक मिला दे, जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा, हम सबको नासिरों में शुमार। Oh, yeah.